नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ मनीषा किचन में। दोस्तों, हमारा वीडियो सोमवार और शुक्रवार को अपलोड होता है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखा करिए। दोस्तों, हमारे यहाँ शादी की तैयारी चल रही है और आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ अपने बगीचे में, तो आइए चलते हैं। दोस्तों, मैं अपने बगीचे में आ गई हूँ। हमारे बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और देखिए गन्ना भी लगाया गया है। जहाँ मैं खड़ी हूँ हमारे जस्ट पीछे आम का पेड़ भी लगाया गया है और ये देखिए ये है केला और बहुत ही अच्छा फला हुआ है। दो घार फला हुआ है, एक देखिए एक घार में से बिल्कुल नहीं कटा हुआ है और एक घार जो बचा था उसमें हम लोग सब्जी बनाए हुए हैं और सारी रेसिपियाँ बनाए हैं और उसमें से कुछ केले बचे हुए हैं। तो आज मैं उसी केले को काटूंगी और उसी का रेसिपी आप लोगों को बनाकर शेयर करूंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं केले को तोड़ने। ये देखिए इस घार में से बिल्कुल कटा हुआ केला नहीं है, एकदम फ्रेश है। और एक घार और है, देखिए इसमें से हम लोग आधा बना चुके हैं और कुछ केले बचे हुए हैं। तो केले काफ़ी ऊंचाई पर है, मैं इसे पा नहीं पाऊंगी तो हमारे हस्बैंड जी ही इसे काट रहे हैं। तो देखिए केले को काट लिए हैं, अब इसे लेकर चलते हैं अपने किचन के पास। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं केले की रसेदार सब्जी शेयर करने वाली हूँ। ये सब्जी अक्सर हमारी दादी बनाया करती थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था खाने में, बहुत ही टेस्टी होता है। केले की सब्जी तो आप कई तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन आज मैं जैसे पुराने ज़माने के लोग बनाते थे उसी तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पर चूल्हे में आग हमारा जल गया है और चूल्हे पर कुकर रख देती हूँ। कुकर में मैं 2 लोटा पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद इसे गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक पानी हमारा गर्म हो रहा है, इधर मैं सब्जियों को धोकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर केला का छिलका मैं पहले से ही उतार के रखी हूँ और इसे अच्छे से 2-3 पानी से धो लेती हूँ। अब मैं आलू टमाटर को भी धो लेती हूँ और साथ में अदरक लहसुन हरे मिर्च और प्याज को भी धोकर तैयार कर लेती हूँ। सब्जियों को धोने के बाद इधर चावल को भी 2-3 पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लेती हूँ। और चलिए देखते हैं ढक्कन को हटाकर। पानी हमारा गर्म हो गया है, अब मैं चावल को पानी में डाल देती हूँ पकने के लिए। चावल को डालने के बाद एक बार इसे पलटे से चला देती हूँ और इसे एक प्लेट से ढक देती हूँ। जब तक चावल हमारा पक रहा है, इधर मैं केले को छोटे छोटे पीस में काट कर तैयार कर लेती हूँ। आप अपने अनुसार छोटे बड़े पीस में काट सकते हैं, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर 1/2 इंच के टुकड़े में इसे काट रही हूँ। केले को काटने के बाद इधर मैं आलू को भी काट लेती हूँ। और टमाटर भी काट लेती हूँ और यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च प्याज भी काट लेती हूँ। सब्जी को काट कर तैयार कर ली हूँ और देखिए यहाँ पर चावल भी हमारा लगभग पक चुका है। चलिए ढक्कन को हटाकर देखती हूँ और एक बार चेक भी कर लेती हूँ इसे। तो चावल हमारा पक गया है, अब चलिए इसे चूल्हे से नीचे उतारती हूँ। अब मैं चूल्हे पे रखती हूँ कढ़ाई और कढ़ाई को थोड़ा सा पोंछ देती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल।
तेल को गर्म होने के बाद इसमें तेज़पत्ता का तड़का लगाऊंगी और साथ में जीरा भी डालूंगी और थोड़ी सी हींग भी डालूंगी। जीरा को चटकने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ सूखी लाल मिर्च। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा लाल होने तक इसे भून लेती हूँ। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कटा हुआ आलू। आलू को हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। आलू को मैं हल्का सा भून ली हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कटे हुए केले। केले को भी हम चलाते हुए धीमी आंच पर ही भूनेंगे। अब मैं इसे चला बला कर एक थाली से ढक देती हूँ कुछ देर के लिए। अब मैं इधर अदरक लहसुन और प्याज हरे मिर्च को सिलबट्टे पर पीस लेती हूँ। चलिए इधर थाली को हटाकर देख लेते हैं। ये देखिए केले हमारे अच्छे से भुना चुके हैं। अब बारी आती है इसमें मसाला डालने की, तो मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सब्जी मसाला। अब मैं इसमें प्याज का बना हुआ पेस्ट भी डाल देती हूँ और थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से धीमी आंच पर भून लेती हूँ। मसालों से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, इसे मैं धीमी धीमी आंच पर ही भूनूंगी और इसे 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। 2 मिनट बाद थाली को हटाकर देखती हूँ। ये देखिए मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पक रहे हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कटा हुआ टमाटर। टमाटर को डालने के बाद मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देती हूँ। इससे टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे और मसाले के साथ पक भी जाएंगे। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए और ढक देती हूँ। चलिए थाली को हटाकर देखते हैं 5 मिनट बाद। ये देखिए टमाटर भी हमारे लगभग गल चुके हैं और मसाले हमारे अच्छे से भुना गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ग्रेवी के अनुसार पानी। आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ सब्जी को पकने के लिए। जब तक सब्जी हमारी पक रही है, इधर मैं आटे को गूंथकर तैयार करती हूँ रोटी बनाने के लिए। तो चलिए कलछुल से चलाकर सब्जी को देख लेती हूँ। ये देखिए सब्जी भी हमारी पक गई है। अब मैं इसे चूल्हे से नीचे उतार लेती हूँ और चूल्हे पर रखती हूँ तवा रोटी बनाने के लिए। आज मैं तवे पर रोटी को सिझाऊंगी और इस रोटी को आग में फुलाऊंगी। तो चलिए आग में इसे फुलाते हैं। ये देखिए रोटी हमारी कितनी अच्छे से फूल रही है। अब मैं इसमें से राख को झाड़ देती हूँ और इसे डेलाई में रख देती हूँ। इसी तरह से मैं दूसरी रोटी को भी सिझाकर आग में फुलाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज हमारी केले की रसेदार सब्जी और इसके साथ चावल और आग में सिझी हुई रोटी बनकर तैयार है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आज का हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।